الله، الله،, الله 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 الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. रसूल बाज़ु खुतिन वजरा आसान फहम कुरान के सत्रवे सबक के पहले हिस्से में आप सभी का इस्तकबाल है आइए शुरू करते हैं आज का सफर ये जैसा कि आपको मालूम है ये सिर्फ बीस चैप्टर्स का या बीस कक्षाओं का एक छोटा सा पाठ्यक्रम था जिससे हर कोई जो भी सीखने का शौक रखता है वो कम समय कम कम वक्त देकर चीज़ों को सीख सके तो बीस कक्षाओं का लघु पाठ्यक्रम था खत्म होने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मकसद ये था कि हम हिंदी भाषा के अंदर कुरान के शब्दों को समझ लें और इसीलिए आपसे बार बार कहा जा रहा था कि आप अपनी नोटबुक और कलम निकाल के रख लें कॉपी पेन का यूज़ करें क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा काबल इल्म सिखाया जाता है कलम के थ्रू पेन के थ्रू और याद रखना चाहिए कोई देखे ना देखे अल्लाह हमें देख रहा है मुबारक बात है वो लोग जिन्होंने कुरान करीम सीखने के लिए प्लानिंग की है क्योंकि अगर आप कुरान करीम सीखने की प्लानिंग करने में फ़ेल हो गए तो असल में आप पुराने करीम नहीं सीखने की प्लानिंग कर रहे हैं यह आज सबक नंबर सत्रह शुरू होने जा रहा है देखिए इस सबक को पूरा करने के बाद आप 208 नए लफ्ज सीख जाएंगे जो कुरान करीम में उनतालीस हज़ार पाँच सौ इकहत्तर बार आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास में हम क्या समझेंगे आज की क्लास में हम वो आयत देखेंगे कुरान की कुरान की वो आयत देखेंगे जो खुद बताती है कि कुरान के नाजिल होने का क्या मकसद है अल्लाह ताला ने कुरान को क्यों नाजिल किया है मेरा कहना है आपका कहना है इसका कहना है उसका कहना है ये ये कुछ नहीं अल्लाह की आयत खुद ही बताए कि वो किताब क्यों भेजी गई है उसको देखेंगे और वो भेज देने के बाद फिर करना क्या है ये भी उसी के अंदर फिर उससे आगे की प्रोसीजर पर्पज ऑफ रिविलेशन और इसका जो सबक है हमारा सतव और सबक इसके दूसरे हिस्से में हम फेल अम्र नहीं जो ग्रामर चल रहा है वो देखेंगे इन और एक्सरसाइज करेंगे शुरू करते हैं नजूल कुरान का मकसद आप क्या समझते हैं कि जो लोगों ने चैप्टर वन शुरू से ज्वाइन किया था उनको मालूम है थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था आज इस चीज़ को डिटेल से जिक्र करेंगे क्या है कुरान को नाजुक करने का मकसद अल्लाह ताली का यह है कुरान कह रहा है आज़ुल्ह शिम सीम किताब का मुबारकुलत दब्बर आयाति वलियलबाग ये किताब हमने उतारा है हमने नाजिल किया है इसको आपकी तरफ बरकत वाली है सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है लियत दबरू आयाती व ज़क करबा ताकि वो गौर करें इसकी आयात पे और अक्ल वाले नसीहत लें ये दो बातें चल रही हैं इसको गौर करेंगे क्या करेंगे हमने कुरान को क्या समझाया कुरान क्यों आया है आइए सुनते हैं अल्लाह ताला से लफ्ज है किताबन किताबन मतलब किताब किताब की बात चल रही है इसकी जमा हो गई कुतुब बहुत सारी किताबों को कुतुब कहा जाएगा ये जमा मुकसर कहलाती है हम टर्मोलॉजी में नहीं पढ़ते किताब की जमा कुतुब अच्छा मैं इस सूरत इस आयत का तर्जुमा करने से पहले फिर आपसे जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है कुरान क्यों आया है क्या ये नहीं लगता आपको कुरान चौबीस गंडे के लिए आया है लोग चौबीस गंडे कराते हैं ना कुरान से चौबीस गंडे दिखता तो यही है ना कि आपको यह नहीं दिखाई देता कि नया घर नई दुकान बनी है उसमें पढ़ने के लिए बरकत के लिए पढ़ने के लिए आया कुरान नहीं लगता ऐसा क्या आपको नहीं लगता कुरान इसमें आया है कि शादी होकर जा रही है लड़की तो उसके उसके नीचे कुरान ऊपर कर दो वो उसके नीचे से निकल के जाएगी और बाबर बरकत के तौर पर जहेज का पहला आर्टिक, आर्टिकल जो है वो कुरान होना चाहिए कैसे नहीं आया क्या कैसे नहीं आया है तावीज बनाया जाता हूं ताकों में सजाया जाता हूं और जजदान हिर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के फिर इधर की बारिश होती है खुशबू में बसाया जाता हूँ इसलिए नहीं आया कुरन खूबसूरत से ज़बरदस्त कवर्ड में रख के इतनी ऊंचाइयों पर रख दो कि उसकी हिदायत से दूर हो जाओ तबाह हो जाओ उसके नाम पर तुम्हें जो कुछ बता दे उसको मानते चले जाओ इसको सीखना नहीं कभी कभी उतारना यह रमजान में उतार लेना बार बार बहुत सारा पढ़ने के लिए यह तरावी में सुन लेना और समझना कुछ मत इमाम साहब जुम्मो के खुतबों में क्या बोल जाए इमाम साहब फजर की नमाज में मगर की नमाज में ईशा की नमाज में क्या बोल जाए ईदैन की खुतबों में क्या बोल जाए उन नमाजों में क्या पढ़ जाए तुम्हें कोई मतलब नहीं हो क्यों आया कुरान सूरह वाक पढ़ लो तो घर में फख्रो फाका नहीं होगा और सूरह जिन पढ़ लो तो ये ये सूर्य यासिन पढ़ लेना चाहिए और ये पढ़ लोगे तो ये इसलिए आया कुरान कुरान देखिए क्या मेंशन कर रहा है ये सारे फायदे हो सकते हैं और चौबीस घंटे के लिए तो बिल्कुल नहीं आया मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा क्या, क्या कुरान आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए करिएफ और ढूंढिए वहां आप टाइप करिए आगे क्या कुरान तावीज़ गंडे जादू करने की बात बताता है देखिएगा आप तो पता चल जाएगा आपको जो सुलेमान सुलेमानसलाम के नाम से मंसूब कर दिया है नक्शे सुलेमानी और ये वो पत्नी क्या किया उसकी हकीकत क्या है पता होनी चाहिए आपको सब बकवास फैली हुई है झूठ फैला उनके नाम पर किसी नबी के नाम पर ऐसी चीजें मंसूब कैसे हो सकती है चलिए तो देखते हैं तो कुरान

कहा आपकी तरफ जब ये पहली पहली बार नाजिल हुआ था तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ तो ये आया तो आज भी पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ता हूँ आप भी पढ़ते हैं ये हर एक पे नाजिल होता है बशर्ते उसके नजूल का एहसास भी तो हो उसकी जबान तो सीखे एहसास तो करें वो नाजिल हो रहा है और एक शेर भी है ना तेरे दिल पर जब तक हो नजूल किताब गिरा कुशाये ना राजी ना साहिब कशाफ कुरान अगर ऐसे ना पढ़ा जाए कि मेरे ऊपर नाजिल हो रहा है मेरे दिल पर नाजिल हो रहा है अगर ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं तो आप गिरा कुशाये ना राजी इमाम राजी की जो तफसीर है वो पढ़ डाली गिरा कुछ आए न साहिब कशाफ और जो साहिब कशाफ ने जो लिखा है ये तमाम चीज़ें भी दिल की रगों को गांठों को नहीं खोल पाएंगी अगर इसको ऐसा ना पढ़ाए मेरे लिए है ये ये जो आयत आई है मेरे लिए है अब जहनुम की आयत डाल दिया अब के लिए जन्नत की आयत मेरे लिए सूद की आयत सूदी लोगों के लिए झूठ की उन लोगों के लिए माँ बापों से बदतमीजी की उन लोगों के लिए अरे हर आयत मेरे लिए थी वरना कुरान तो आप हो जाएगा आपने लिए बड़ी सिलेक्ट चीज़ें ले ली हर आयत आपके लिए आपसे बात कर रही है आपकी इसल चाहती है अब सिर हज रात उठा के देखिए कुरान कह रहा है आज भी यह कुरान में मौजूद वो चौदह सौ साल पहले भी थी क्या कह रहा है कि मोमिन मर्द और ये मजाक करना अच्छी बात है मगर मजाक उड़ाना बुरी बात है एक ईमान वाला ग्रुप दूसरे ईमान वाले ग्रुप का मजाक ना उड़ाए हो सकता है जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो अल्लाह के नजदीक ज्यादा महबूब हो ऐसी ईमान वाली औरतें दूसरी ईमान वाली औरतों का मजाक ना उड़ाए बस दूसरे ग्रुप का मजाक ना उड़ाए हो सकता है जिनका मजाक उड़ा रहा है वो अल्लाह के नज़दीक ज्यादा महबूब हो गीबत के बारे में कहा जा रहा है क्या तुम गीबत करते हो ऐसा है कि अपने मरे भाई का गोश्त खा रहे हो ये पढ़ा इमाम साहब ने पढ़ा अभी मगर की नमाज में ईशा की नमाज में फजर की नमाज में उन्होंने पढ़ा अगर इमाम साहब को समझ में आता था, था तो उनकी भी दिल की दुनिया बदलेगी वो वहत नहीं करेंगे वो मजाक नहीं उड़ाएंगे और सुनने वाले की अगर समझ में आया था तो उसकी भी दिल की दुनिया बदलेगी वो मजाक नहीं उड़ाएगा आज बताइए पूरी दुनिया में आग लगी हुई आग नहीं लगी हुई एंटरटेनमेंट के नाम पे सामने वाले ग्रुप का किसी को पकड़ के उसका मजाक उड़ाना इसको बिजनेस बना रखा है मुसलमान भी उसके अंदर एंगेज है कैसे हो सकते हैं अगर उन्हें आज समझ में आ रही होती उठा के देखिए स्वरोजगार मजाक करना अच्छी बात है मजाक उड़ाना मजाक उड़ाया क्या

अल्लाह आप सबको हिदायत फरमाए चलिए तो, तो किताब ये किताब अंजल ना हमने उतारा है इसको तो डाउट ही नहीं है इसमें अल्लाह ताला की तरफ से आपकी तरफ हर एक की तरफ आपकी तरफ होता है नाजिल सुबह आपने फजर के बाद पढ़ा है आपके ऊपर तो नाजिल हुआ कुछ दिल की दुनिया बदली कुछ बातचीत हुई अल्लाह ताला की आपसे रसूल की तो होती थी ये यहाँ पे लड़का लिखा हुआ है आपकी तरफ पहलन पैलन तो अल्लाह के रसूल पे नाजिल हुई अब हर एक पे नाजिल अब ये उस पर नाजिल होगी जो चाहेगा रसूल पे तो नाजिल होती थी उसके लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी इतनी तो बड़ी चीज़ रसूल पे नाजिल होने के लिए पूरा निज़ाम फरिश्तों का निज़ाम और ये जिब्राई लेके आ रहे हैं उनके कल पे नाजिल हो रही है और ये ज़बरदस्त किताब हदायत और ऐसा मोजदा और देख लीजिए जान लीजिए सोच लीजिए हाँ खोल लीजिए काम खोल लीजिए मूसीम का मौजा जो उनकी लाठी थी वो हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम आज मिल जाए तो मगर वो बेकार हैं इन देंस कि आज मूसीम की जो असाएँ वो कोई मुआजा शो नहीं कर सकता मूसा सलाम का मौजदा मूसा सलाम के हाथ पे तो मौजदा है और हर वक्त मौजदा नहीं है जब अल्लाह हु करेगा तब मौजदा है मूसा सलाम का मौजदा जो असा है वो हारून सलाम के हाथ पे मौजदा नहीं है जो काम मूसा सलाम कर सकते थे उस मौजदे से चश्मे जारी कर सकते थे वही वही काम हारून सलाम उनके बड़े भाई जो इसी वक्त के नबी थे उस असये से वो ये काम नहीं कर सकते थे यानी कि एक नबी का मौजदा दूसरे नबी के हाथ पे यूजलेस ये कुरान आखिरी नबी का मौजदा आपके मेरे हरेक हरे के हाथ में मौजदा की कसम हर एक के हाथ में मौजदा है लेके उठी है इसको मूसलम को जब मौजदा दिया गया कुरान ने जब जहां जहां मौजदा देने की बात करी है ये मौजदा दिया है आयत दी है मूसा मूसलम को ये असा दिया असा देने के बाद दे भेज दिया फिर जाओ बंद कर दो मुंह फिर मुंह बंद कर दो ये कुरान दे दिया आपको आपके हाथ पे मौजदा है मगर ये इल्मी येदा है जाइए इतने फिरौन खड़े हुए हैं कुरान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं मारना पीटना नहीं है और कुरान के खिलाफ वो नबी के खिलाफ क्या क्या आवाजें उठा रहे हैं ये इल्मी येजा आएगा जाके आज के के मुंह बंद कर दीजिए ना सीखना पड़ेगा उसको क्यों नहीं सीखते सुनिए यूट्यूब पे जाके अब्दुल्ला तारिक टाइप कीजिएगा ये टाइप कीजिएगा और देखिए के के है कुरान कुरान का मुआवजा होना ये टाइप कीजिएगा देखिए बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी कि कुरान कैसे मौजा है आपके हाथ पे जो कुरान को समझना चाहता है जो कुरान को के तो आज के फिर मुंह बंद कर देंगे आप नहीं हो रहा होगा आप ये देख रहे होंगे ना सोशल मीडिया पर बहुत से न्यूज न्यूज चैनल पर के वो आते हैं कुछ लोग होते हैं जो लग रहे होते हैं मुसलमान उनको उनके मुंह बंद हो जाते हैं इनके पास जवाब नहीं होते आज आपके पास जवाब है लड़ना नहीं है इस मुझद का इस्तेमाल करना चलिए तो किताब ये किताब उतारा है हमने इसको आपकी तरफ मुबारक बरकत वाली है मुबारकुन बरकत वाली है बरकत ये बरकत ईद मुबारक हम बोलते हैं ना कामयाबी मुबारक मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मुबारक बरकत वाली है कुरान ने कहा ये किताब बरकत वाली है अल्लाह की कसम ये आयत अगर नहीं ख़त्म हो जाती तो हम इस पर इक्तफा कर लेते हैं हाँ कुरान बरकत वाली किताब है तो सही आगे भी कुछ कह रहे बरकत किन लोगों के लिए है ये डिटेल आगे आ रही है ली अदबरू ये आ गया मकसद कुरान का ली का मतलब पढ़ चुके हैं ताकि लाहौली देखिए लाहौली का मतलब लिए था वो जब इसम से पहले आ रहा था

कुरान की आयात पर गौर करने को कह रहा है अल्लाह कुरान के तर्जुमों पर गौर करने के लिए नहीं कह रहा कुरान की तफसीरों पर गौर करने के लिए नहीं कह रहा है अल्लाह की आयात पर और अल्लाह की आयात कुरान के अंदर भी है अल्लाह की आयात ये सूरज का निकलना चांद करना नि... ये भी है ये कुरान के अंदर जो आयात आ गई है अब कोई नई आयत नहीं आएगी और ये आयात तो हर रोज नाजिल हो रही है ये दोनों सपोर्ट करती है एक दूसरे को ये ये जो आयात कुरान के अंदर आ गई ये वर्ड ऑफ अल्लाह है और ये जो आयतें नाजिल हो रही हैं ये वर्क ऑफ अल्लाह है ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को एक्सप्लेन करती हैं इन में करना था लियत दबर हमें पता नहीं क्या क्या कि नहीं जिसने ये, मुझ, ये मिलते है कहते हैं हैं कहते देखो आयत पर गौर करना है आयात की वाली भी और आयात वाली भी वो वाली आयात है साइंस कुरान डायरेक्टली कह रहा है साइंस मैथमेटिक्स जियोलॉजी सब उसकी साइंस उसकी निशानियों को पढ़ाते हैं बायोलॉजी तो अपनी बॉडी को पढ़िए जितनी भी लॉजीज हैं ये सब अल्लाह की वो निशानी है जो बारिश होती है कौन कौन सी लॉजी में पढ़ेंगे पढ़ेंगे ना किसी लॉजी में ऑपरेशन ये वो सब पढ़ेंगे किसी ना किसी चीज के अंडर में अल्लाह की निशानी है वो भी और ये ये भी अल्लाह की निशानी है ये भी अल्लाह की आयात है वो भी अल्लाह की आयात है दोनों सपोर्ट करेंगे एक शरीफ इंसान के कॉल और फिर में तज़ा नहीं होगा तो अल्लाह के कैसे होगा बहर आगे चलते हैं ताकि वो गौर करेंगे इसकी आयत में पॉन्ड्रिंग करेंगे यहाँ से और और का मतलब और लिया करा ताकि लिया आएगा फिर तक तस्क करा तजक नसीहत पकड़े ये, ये पॉन्ड्रिंग करने के बाद टाइम इन्वेस्ट करने के बाद कुछ बात निकाली अरे हाँ ये है इसका तो इस ये मेरा नहीं चाह रहा है मुझे तो मेरा एक्शन प्लान ही होना है दो, इस दौर के फिर का मुंह तो ऐसे बंद होना है है ना इस दौर के फिर ऐसे मिलने ये कुछ और चीज ढूंढ रहा था मिलेगा यह तस्क करा था कि नसीहत पकड़े ऊलू अलबाब कौन पकड़ेंगे ऊलू ये कुरान में देखिए ऊलू उली ये वालों के लिए आता है उली वालों के लिए आता है अलबाब ये अलबाब बनाए लुब से लुब कहते हैं अकल को और उसकी प्लूरल हो गई अलबाब अलबाब अकल वाले वलिए तज अलबाब और ताकि तस्द ताकि नसीहत गाइडेंस निकाल लें पकड़ लें अकल वाले खुदा की कसम अल्लाह के नजदीक अकल वाले तो वो हैं जो इस कुरान में पॉन्ड्रिंग करेंगे गौर विक्र और फिक्र करेंगे गौरव फिक्र की करते चले जाएंगे और उससे नसीहत निकलेंगी उसको फॉलो करते चले जाएंगे ये लोग हैं में अकल वाले ये हैं अल्लाह की नज़र में बन जाइए वाले बड़ा आसान काम है इस सफर में जुड़े हुए तो हैं आप अल्लाह की किताब सीखने के सफर में यह शुरुआत है जिंदगी भर करना है और टारगेट बना लीजिए कम से कम एक हज़ार लोगों तक आपको ये बात पहुंचानी है जब देखो कुरान सीखो वो व्हाट्सएप हो क्या क्या खबरें नहीं भेजते हैं वो इंस्टाग्राम हो, हो वो फेसबुक हो वो ट्विटर हो एक हज़ार लोगों को समझाइए कम से कम कि तुम्हें कुरान सीखना है प्लस एक हजार लोग सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब के यूट्यूब चैनल पर जुड़वाइए कि वो भी सही कुरान को समझें कुरान आपके हाथ में मौजदा कैसे है किसी ने बताया आपको ये बात कि ये कुरान जो आपके घर में रखा हुआ है जिस जिसपे धूल चढ़ रही है ये बहुत ऊंचे सजा हुआ है जिसको आप टच नहीं करने जिसको बम समझते हैं बच्चों को टच भी नहीं करने देते और जिसके बारे में बहुत सारी बातें बता दी है ऐसे नहीं छूना वैसे नहीं छूना वहां रख दिया उठा के ले जाके ये कुरान आपके हाथ पे मौजदा है जैसे रसोलम के हाथ पे मौजदा था कैसे है ढूंढिये उसको खुद भी सीखिए एक हजार लोगों तक ये बात पहुंचाइए कम अज कम एक ने भी मान लिया तो आप जैसा हो जाएगा कॉम्पेशन एक्टिविटीज करिए नबी रहमत की हमती हैं आप बन के दिखाइए ना रहमत बन के दिखाईए ना रहमत रहमत के काम करिए रहमत को आम कीजिए पूरी दुनिया में ये आम कर दी गई ये बात कि नबी के मानने वाले लोग जो हैं ये जहमत है तो इनका नबी भी जहमत होगा नाविल्ला जबकि नबी तो रहमत है तो कुछ तो काम हो जाए आपकी तरफ से कुछ तो ऐसा काम हो जिससे आप रहमत दिखाई दे और उसका क्रेडिट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीजिए कुछ तो करिए अल्लाह के वास्ते कुछ तो कीजिए भले ये हो गई किताब यार किताबल के मुबारक वली तजरबा ये किताब हमने उतारी आपकी तरफ बरकत वाली है ताकि वो गौर करें इसकी आयत पर और अकल वाले इससे नसीहत हासिल करेंगे करनी शुरू कर दी ना फौरन अगला स्टेप हदीस आ गई अन्नी वाला आया पहुंचा दो पड़ोस में मुसलमान हो गैर मुसलमान हो कोई भी ह्यूमन तो, बीइंग हो पहुंचा दो बल्ली पहुंचा दो पहुंचना पड़ेगा पहुंचा दो अन्नी मेरी तरफ से रसूल मेरी तरफ से तू मेरा मानने वाला है ना मुझे मानता है ना नबी रहमत तू मेरा उम्मती है पहुंचा दो मेरी तरफ से बल्लेबू पहुंचा दो ये बल्ले बल्लेगु पढ़ा था ना आपने रसूल आदेश दे रहे हैं बल्ले पहुंचा दो बस मेरा नाम लेने वाले हो मेरा काम नहीं करोगे कैसा ना हो इस मुनाफत की वजह से कल क्यामत के दिन जब जाए रसोल्म के पास कैला हमें भी तो पिला दीजिए और रसोल वसलम कहते नहीं नहीं तुम वो नहीं हो तुमने तो मेरे जाने के बाद मेरे काम को अपना काम नहीं समझा तुम तो लोगों के लिए जहमत बने हुए थे मैं रहमत बन के आया था मैं रहमत की तालीम दे के आया था तुम किन पर जुड़ों में फंस गए थे तुमने कहाँ से नींद लेना शुरू कर दिया था कि तुम जहमत बन गए थे लोगों के लिए मैं तो दीन तब सबके लिए मानने वाले हो या ना मानने वाले हों सबके लिए रमत छोड़ के आया था तुमने दीन का त्याग हाल अशर कर दिया था तो सही दीन को सीखिए दीन के सही सोच से भी जुड़िए जो आपको कट्टरता सिखाता है वो दीन सही नहीं सिखा रहा आप सही दीन सीखिए तो बल्ले पहुंचा दो आनी मेरी तरफ से वाह का मतलब और लाओ वाह और अगर आया एक आयत एक बात जानते हैं पहुंचा दो कैसे पहुंचाना है लगाइए दिमाग लगाइए सोचिए बहुत दिमाग लगाते हैं अपने बिजनेस में अपने जो जो काम करते हैं कितने है? दिमाग लगाते हैं एक आयत पहुंचाने के लिए थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा सकते लगाइए अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हमें थोड़ा सा कुरान का अदा हाँ करने की तौफीक अदा फरमाए कुरान के या अल्लाह हम तेरे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमें तैयार कर कि हम कुरान करीम के हकूक़ की अदाईग करें रहमतुल्लाह कर अस्सलाम वालेकुम बच्चों कैसे मिजाज हैं आपके अगर आप क्लासेस में शामिल हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे अलामा सैद अब्दुल्ला साहब के चैनल पर दरस कुरान की बेहतरीन वीडियोस मौजूद हैं आप उन वीडियोस के ज़रिए से अपने इल को बढ़ा सकते हैं और कुरान की गहराइयों को भी समझ सकते हैं लिहाजा आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें उन वीडियोज़ को ख़ुद भी देखें और दूसरों के साथ शेयर भी अमालिना

पिछले बीस तीस पैंतीस सालों से रिसर्च के बाद लोगों तक दर्श कुरान का दर्स पहुँचा ही रहे हैं आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कुरान एक इवॉल्व होने वाली किताब है वो कुरान चौदह सौ साल पहले भी उरूज पर थी तेरह सौ साल पहले बारह सौ साल पहले, पहले। ग्यारह सौ साल पहले मगर अगर तेरह सौ साल पहले की अंडरस्टैंडिंग को हम इवॉल्व नहीं कराएंगे आज के अंडरस्टैंडिंग से तो कुरान तो है हैज पर उसकी अंडरस्टैंडिंग जो आप रख रहे हैं वो लोगों को अपील नहीं करेगी जबकि कुरान के अंदर वो मौजूद है इसलिए कुरान एवर इवॉल्विंग किताब है तो हर दौर के कुरान हर दौर में कुरान उरूज पे रहता है तो इस दौर में भी हमें दरखास्त है आपसे कि उनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके सुरह फातहा सुर बकरान बकरा, सुर माइदा सुरह तो ये और सुरा और आगे नूर ये सब सुन डालिए आपको पता चलेगा आज के इसके अलावा उनके ये तो काम जरूर कर लीजिए पांच वीडियो इस्लाम का परिचय पार्ट वन इस्लाम का परिचय पार्ट टू इस्लाम का परिचय पार्ट थ्री पार्ट सुन डालिए पहले सुनेंगे दूसरा अपने आप यूट्यूब दिखा देगा परिचय आप उसको पता ही नहीं कोई आपसे क्या है बताओ हमें नहीं इस्लाम का परिचय इस्लाम का परिचय क्या है, तो क्या है? ये आप डालिए फिर देखिए आएगा इस्लाम क्या है उसमें बहुत से टॉपिक एक बेसिक खाका गया है बहरहाल ये हमारा बीस चैप्टर्स का पाठ्यक्रम था यह खत्म होने की कागारह सतरो चैप्टर चल रहा है हमारा इसका हमने कुरान क्यों तो नाजिल हुआ है गौरव फिक्र करने के लिए और इसको हमें पहुंचाना है ये तो जिम्मेदारी है ग्रामान पढ़ लिया जाएगा इसमें कोई माने ना माने इस बात को अब पर चलते हैं ग्रामर की तरफ सतरोवें चैप्टर का बी पोर्शन ग्रामर बहुत डिटेल्स हम देख चुके हैं अरबी जबान में जो भी शब्द हैं वो तीन प्रकार के तीन तरीके के शब्द हैं या तो वह इसमें होगा या फेल होगा या हर्फ होगा हमने इसमें खूब पढ़े हैं फेल खूब पढ़े हैं हर्फ खूब पढ़े और अब हम पढ़ रहे थे अमर और नहीं देखिए चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे उसने किया ये माजी पढ़ रहे हैं हल्की आवाज़ फाला उसने किया फ़ालू उन सब ने किया फालता आपने किया फ़ालतू मैंने किया फ़ालतू आप सब ने किया फालना हम सब ने किया फ़ालत उस एक औरत ने किया ये पढ़ा हुआ था यह फालू वो करता है यह फालूना वो सब करते हैं तफालू आप करते हैं अफालू मैं करता हूँ तफालूना सॉरी तफ़ालूना आप सब करते हैं न हम सब करते हैं

जरीबू वो मारता है यजरीबू ना वो सब मारते हैं तजरिबू आप मारते हैं अजरिबू मैं मारता हूं तजरीबू ना आप सब मारते हैं नजरिबू हम सब मारते हैं तजरिबू वो एक औरत मारती है अब देखिए मार पड़ी किसी एक से कहना है इजरीब मार। तजरब मत मार ला तजरीबु मत मारो दोबारा पढ़ेंगे हम मार, बू मारो ला तजरब मत मार ला तजरबु मत मारो ये बहुत आसान है ऐसे ही समिया हमने पढ़ा था दोबारा पढ़ेंगे समिया उसने सुना ये माजी था फिर ये मुजारे था और ये अमरो नहीं समिया उसने सुना समय उन सबने सुना, सुना ता आपने सुना समिया तो मैंने सुना समिया तुम आप सबने सुना समयना हम सब ने सुना समियात उसे एक औरत ने सुना फिर यसमाऊ वो सुनता है ना वो सब सुनते हैं तस्माऊ आप सुनते हैं असमाऊ मैं सुनता हूं ना आप सब सुनते हैं नस्माऊ हम सब सुनते हैं तस्माऊ वो सुनते है वो सुनती है अब देखिए इसमा सुन इसमा कलाम अल्लाह अल्लाह का कलाम सुन इसमा सुन इसमाऊ सुनो ला तस्मा मत सुन ला तस्माऊ मत सुनो दोबारा पढ़ेंगे हम इस्मा सुन इसमाऊ सुनो ला तस्मा मत सुन और ला तस्माऊ मत सुनो इसी वजन पे इलम है इलम जान जानो लताम मत जान लता मत जानू इसी वजन है, मल अमल कर ईमलू अमल करो लतामल अमल मत कर लता अमलू अमल मत करो तो बहुत ज्यादा सिंपल है प्रैक्टिस करने वालों के लिए देखिए कॉपी पेन निकाल लीजिए अपनी कॉपी पेन तो शुरू में निकाल लेना चाहिए एक बार और रिमाइंडर आ गया है अब इससे जो भी पढ़ाया इससे संबंधित अभ्यास है देखिए पहला अभ्यास तो यही है कि क्या करेंगे हम ये इजरीब इजरीबू उसको लिखेंगे इसना इसना एलम एलम और एमल एमल टंग ट्विस्टर से भी इनको लिखेंगे लिखेंगे तो अच्छा सीखेंगे अब जरा चलते हैं आगे उर्दू में तर्जुमा नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में या हिंदी में तर्जुमा लिखा है ला तजरीबू जईदन ला तजरीबू ला तजरिबू मत मारो जैदन जैद जाएद। आप सब मत मारो जैद को ला तस्माऊ शर्रन मत सुनो ला तस्माऊ तस्माऊ ना नहीं है ला तस्माऊ शर्रन मत सुनो बुराई को वा इस्मा तिलावत कुरान वा का मतलब और इस्मा सुन तिलावत कुरान कुरान की तिलावत और सुन कुरान की तिलावत एक बंदे से कह रहे थे कि इस्मा इस्मा व अलमू अन्नल्लाह रहीम वाह का मतलब और ए लमू, जान लो तुम सब जान लो अन्ना बेशक अल्लाह रहीम बेशक अल्लाह रहीम है और तुम सब जान लो कि अल्लाह लगातार रहम करने वाला अब रहीम का ट्रांसलेशन ये कर दिया है लगातार रहम करने वाला है शुरू में पहले सबक में पढ़ाया था दूसरे सबक में यह वाह मलुलेहा वाह का मतलब और अमल करो नेक संतुलित और तुम सब अमल करो संतुलित आइए आप सब कुरान सुनो ये अब इसको अरबी में ट्रांसलेट करना है कुरान सुनो इस महू आप सब सुनो अल कुरान आप पर आप बुरा काम मत करो लफ अल शर्रा लातफल मत कर शर्रा मत काम करो बुरा अगला देखिए अगर, अगर, एक, एक से कह रहे हैं ला तफल मत कर शर्रा बुरा अगला आप सब अच्छा काम करो आप सब मलू आप सब अमल करो खीरन मत मारो उसको ला ला तजरबू ये आप सब मत मारो ला हु उसको ला हु अगर आप एक मान रहे हैं तो ला मत मार उसको और और आप आप जान लो वा लमू। और आप सब तजर तो ये सबक हमारा पूरा हुआ ये अध्याय पूरा हुआ अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सतवों का भी पूरा हो गया है अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला में कुरान करीम पढ़ने समझने अमल करने गौरव करने इसकी ताली को आम करने की तोफीदा फरमाए और मैं अल्लाह ताला से बहुत बहुत अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र करूँगा कि अल्लाह ताला हमसे इस काम को ले रहा है मैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा वर्क ऑर्गेनाइजेशन का और उसके प्रेसिडेंट सैद अब्दुल तारक साहब का कि उन्होंने मुझे चुना इस काम के लिए और मैं बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हमारे सर दानिश मंसूर सर बायोलॉजी के एक्सलेंट टीचर हैं मुरादाबाद में, में जिन्होंने अपना ये पैनल जो टीचिंग पैनल है ये हमें अवेल कराया कि हाँ कुरान क्लास के लिए आप इसको यूज़ करते हैं अल्लाह ताला उनको भी बहुत बहुत इसकी जदत दे महमदारी उसमी बिर राजमती अमरमीन असलकम व एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है और इसके बिना जो है हमारे लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी जो है दोनों जगह खसारा ही खसारा है जबकि मैं ख़ुद भी एक मामूली मौलवी हूँ लेकिन हमें उतना इल्म नहीं था और जो कुछ भी थोड़ा बहुत इल्म आया वो अमा सैदुल्ला तारिक के वीडियो से आया लिहाजा मैं तमामी हजरात से खास से बच्चों से नौजवानों से स्टूडेंट से और बड़ों से मैं दरख्वास करता हूँ कि खुदा के लिए खुदा के लिए कुरान की तरफ रागिब हो जाए अल्लाह की किताब की तरफ रागिब हो जाए और इस मौके को हाथ से ना जाने दें वरना मेरे मोहतरम ये बहुत खसारे का सौदा होगा कि हम अगर लामा की वीडियो को ना देखें लिहाजा आप तमामी हजरात से फिर मदबाना गुजारिश है के किलामा सैयद अब्दुल्ला तारीख़ के यूट्यूब चैनल पर जाइए उसको लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए